चीज़ देखिए ध्यान देना, मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाई बताई, प्लानिंग बताई, अब मैं आपको एक साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मिस्टर जज। अभी क्या हो गया, जैसे इंटर हुआ ठीक है, अब रामू काका की पत्नी पहले आके आपके घर बैठ जाएंगे। अब रामू काका की पत्नी जैसे बैठी, चाची आए गई और चाची का देख के हमारे अब्बा हमें सुनाने लगे। अब हमें क्या सुनाने लगेंगे, देखो उनके फलाने के लड़का का, अरे देखो उनकी लड़की को, ये जो रामू काका पठान चाचा उनकी दादी उनका लड़का उनका पोता, ये मामला एकदम बंद। कभी भी भीड़ को देख के मत चलो। मैंने देखा कि अभी हाल ही में SSC का बैंकिंग का तैयारी का प्रिपरेशन का क्रेज चल रहा था, लोगों को मैंने देखा कि अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं, हो करत है SSC तैयारी तो हम भी चलते हैं, ये चीजें नहीं करनी। इंटर आप पास हो गया ना, दिल कर रहा है सिंगिंग करने का तो सिंगिंग करो, दिल कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप करने का तो वो करो, बिजनेस करने का तो वो करो, जो दिल कर रहा है वो करो, ना कि रामू काका के लड़कों को देखो। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही बड़ी बात थी, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन कर नहीं पाया आपसे, बिल्कुल इसीलिए मैंने बता दिया राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि आप दिल की भी बात सुन सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। आपने मेरी दिल की बात सुनी और लाखों करोड़ों बच्चों की भी बात सुन ली है शायद, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन या आपको आर्टिस्ट बनने का सपना है? जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग क्लास 12th क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत बहुत बधाई है आपको। लेकिन आज इन सारे प्रश्नों के जवाब हम जानेंगे मिस्टर अब्दुल्ला सर से, who is the motivational speaker in the world. He is giving the lectures and he is just providing the great things, right? तो आज सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे हम। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरा ही नहीं है, मेरे साथ पढ़ने वाले जितने भी क्वालिफाई किए इस ईयर में 12th को, उनके पास न जाने कितनी टेंशन आ चुकी है आज, वो बहुत परेशान हो चुके हैं कि हम क्या करें, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, रास्ता बहुत सारे दिख रहे हैं बट वेयर टू गो, देयर इज नो एनी एग्जैक्ट पाथ टू गो। सो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा जिसने अपनी क्वालिफाई किया क्लास 12th को, वो कौन सा मार्क चूज करे? राइट, देखिए सबसे पहले मिस्टर जैस जान लीजिए कि हम जिसे इंटर पास कर लिए राइट, इंटर पास करने के बाद हम जैसे मान लीजिए मुंबई जाना चाहते हैं तो हम एक भुसावल जगह आती है जहाँ पे केला बड़ा जी, जी, जी। भुसावल पहुँचते हैं तो अब भुसावल पहले पहुँच गए, उसके आगे का स्टेशन आएगा जी, उसके आगे के स्टेशन के बारे में हमें जानना है जी जी। उसी तरह से हमने इंटर पास कर लिया तो हमें आगे के स्टेशन के बारे में जानना है, तो हम जान लेते हैं आगे के स्टेशन हमारा क्या है। हमारा है UG या तो डिप्लोमा। UG में क्या है, BA है, BSc है, BCom है, BBA है, और डिप्लोमा में क्या है आपका ITI है, पॉलिटेक्निक है, या और कोई आप HM होटल मैनेजमेंट और एविएशन कैबिन क्रू वगैरह में जा सकते हैं राइट। ये तो बात हो गई, आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, और आपकी स्ट्रीम क्या है राइट, आर्ट साइंस जो भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिन्होंने आर्ट से किया हुआ है, जिन्होंने बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से किया हुआ है, तो मैं एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूँगा। जी, जी, जी। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने मैथमेटिक्स से अपना 12th कंप्लीट किया हुआ है, तो मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जो है कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आप, ऑटो मैकेनिकल इंजीनियर में जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आप, और आप अगर एक मैथमेटिक्स से हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं, मतलब सिविल में जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि आपके लिए डिप्लोमास भी है इंटर के बाद, और आपके लिए बीटेक भी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं राइट। तो ये सारी डिग्रीज की बात है, अभी मैं डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, अभी मन के बात पे आ गया आऊँगा। हाँ, क्योंकि मन की बात हो गई। सर एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है, लोगों का मानना है कि परसेंटेज, हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए परसेंटेज तो मैं कहता हूँ कि 100% ला दो, मैं तो आपसे कहूंगा कि भाई 100% ला दो अगर ला सकते हो, लेकिन मैं दूसरी भाषा में ये मानता हूँ कि परसेंटेज नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिटरमाइन दैट हाउ मच टैलेंटेड यू आर राइट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने जो देखा लाइफ में ये देखा कि जब आपके अंदर रियल में कोई चीज़ है, ज्ञान है, इल्म है, कोई कला है, तो आप उसको दुनिया को दिखाते हैं, तब जाके सम्मान करती है, सलाम करती है, ना कि आप गए डिग्री ऐसे हिला दिए लोग ताली बजाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सर मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैं बायोलॉजी से कुछ किया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट किए हुए हैं बायोलॉजी से, तो उनके लिए जवाब होना चाहिए कि वो क्या करें, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं और उन्हें सेलेक्टेड फील्ड में कैसे अपने लिए मेहनत करनी चाहिए? बिल्कुल, आप बायोलॉजी से हैं तो आप एक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मतलब आप डॉक्टर्स लाइन में स्पेशली जा सकते हैं, BDS कर सकते हैं और MBBS कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, या आपके पास बहुत सारे
सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है कि मैं आपको पूरा तब बता पाऊँ. तो आप चूज़ कर सकते हैं. तो सर आपने इसका भी जवाब हमें मिल चुका है कि अगर हमने बायोलॉजी से किया हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने मैथमेटिक्स से किया है तो क्या करना चाहिए. बिल्कुल. तो मैं इस मुद्दे पे आना चाहूँगा जिन्होंने कॉमर्स से किया है जी, क्योंकि लाखों करोड़ों स्टूडेंट कॉमर्स से भी करते हैं जी. तो मैं जानना चाहूँगा कॉमर्स वाले क्या करें, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. कॉमर्स वाले के स्पेशली देखिए, मैंने बहुत सारे, मैं अभी लक्ष्मीनगर अभी 2-3 लॉकडाउन से पहले मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ मैंने देखा लक्ष्मीनगर में पूरा हब है सीए का. लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, सीएस करते हैं, कंपनी सिक्योरिटी करते हैं, कोर्स करते हैं. तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसके लिए भाग रहे हैं. लेकिन अब ये क्या है कि ये एक तरह से एक डिग्री है, जैसे आईएएस की डिग्री होती है, जैसे प्राइवेट या कंपनीज की डिग्री होती है. तो ये तो बड़ी हो गई. लेकिन आप अगर मैं कहूँ इंटर के बाद आप करना चाहें तो आप बीकॉम के लिए जा सकते हैं, बीबीए के लिए जा सकते हैं, मतलब बिजनेस ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन, या आप जा सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए, बीकॉम के लिए जा सकते हैं. राइट. और सर जैसे कि यू नो एंट्रेंस वगैरह होते हैं, तो इसके लिए तैयारी के लिए बच्चों के पास, जिनके पास फीस वगैरह अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल, वो कोटा या अदर जगह पे जाके तैयारी नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई सजेशन है कि वो घर पे ही कैसे तैयारी कर सकते. बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि आप जितनी अच्छी पढ़ाई, जितनी अच्छी स्टडी अपने मन से कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं, अपने आप को अंदर बंद करके सोच के कर सकते हैं, उतनी अच्छी आप ये नहीं है कि भीड़ में कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि भीड़ में कंपटीशन जरूर होता है, लेकिन पहचान छीन लेती है. इसका मतलब आपको पहचान जब मिलेगी, जब आप अपनी आत्मा में झांकेंगे. बहुत सारे लोगों का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि घर पे स्टडी करके क्रैक कर दिया यूपीएससी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम, आईबीपीएस का एग्जाम. तो पढ़िए, स्टडी करिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चुनिए. हाँ सर, एक चीज और है कि जैसे कि हमने कॉलेज छोड़ा अभी, तो हमें तैयारी करनी है अगर घर पे, तो अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, उसको कैसे घर पे स्टडी करें. बिल्कुल. स्ट्रेटजी आप कभी भी प्रेशराइज स्ट्रेटजी मत बनाइए. आप स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए कि जो एजुटेनमेंट हो, मतलब इंटरटेनमेंट भी साथ में हो. ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, जैसे भले से लुंगी फट जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है, भले से आँख में नींद हो, गिरे 5 बार, फिर भी किताब खोले हुए हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. हैव अ बुक विथ योर इमोशन, हैव अ बुक विथ योर डिजायर, राइट. तो जब डिजायर से आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ा न्यू फ्लू वायरस शोज पैंडेमिक पोटेंशियल, अब मैंने इसको बड़े एनर्जी के साथ पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया. अच्छा, न्यू फ्लू के बारे में मुझे समझ में आ गया, पैंडेमिक के बारे में समझ में आ गया. तो डिजायर का होना बहुत जरूरी है. आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, जब भी बनाओ, उतनी टाइम आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए बस. बिल्कुल सर. सर जैसे कि यूनिवर्सिटीज अगर हमें चूज करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो इसके लिए कुछ सजेशंस. बिल्कुल, सजेशंस है. मैं तो कहता हूँ कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी खैर परसेंटेज पे देती है एडमिशन, और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है एडमिशन देती है. आप यू नो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हमारे भारत में चल रही है, आप वहाँ पे एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं. राइट. यस सर. लास्ट क्वेश्चन. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सारे जितने भी स्टूडेंट्स इस बार क्लियर किए हुए हैं, जिस जो होपलेस हो चुके हैं, थोड़ा सा जिनका परसेंटेज थोड़ा सा कम आ गया, उनके लिए थोड़ी सी सजेशन दे दीजिए ताकि उनके अंदर एक जान आ जाए, एक जुनून, एक सुन मतलब कि जुनून आ जाए फिर से पढ़ने का, फिर से कुछ. सबसे पहली बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उठ, तुझे वक्त ने पुकारा है, वक्त पुकार रहा है, लेकिन हम हार रहे हैं बार बार. मसला क्या है ना कि हम ये सोचते हैं कि एक फेलियर जो हमारी लाइफ का होता है, ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हरिवंश राय बच्चन ने खुद कहा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. आगे उन्होंने कहा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बिल्कुल, ये आप जानते हैं जी. इसलिए आज फेल हुए ना, और ताली बजाओ, दोबारा फेल हो और ताली बजाओ, दोबारा तो मारोगे बाउंस बैक. So guys, I want to suggest you all of you guys, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है, मतलब by the mistake हो गया या आपके कारण ही हो गया, तो don't worry, सर के सारी बातों को follow करिए and prepare yourself for everything and for your life. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you so much.